पेपर मतलब मॉडरेट गया, इतना अच्छा भी नहीं गया कह सकते अभी। जैसे मेरा फ्रेंड है, इसके पास मतलब है 5-6 गो। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, अभी मैं जस्ट होके उठा हूँ और आज का सीन ऐसा है कि आज हम जाने वाले हैं जवाहर नगर, और जवाहर नगर में मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे मिलेंगे। और जवाहर नगर में एलियन का 3 बिल्डिंग है, एक तो समुन्नत है और सत्यार्थ, सत्यार्थ 2 है। तो इन तीनों बिल्डिंग को अपन अच्छे से कवर करेंगे और वहाँ जो भी होगा, अपन जो भी खाएंगे, जो भी कुछ करेंगे, मस्ती वगैरह करेंगे, पूरा आपके साथ शेयर करेंगे। और तो चलिए चलते हैं, पहले थोड़ा कुछ रूम पे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं। ये है प्रिंस का रूम, अभी हम नॉक करते हैं, देखते हैं क्या करता है। ओ प्रिंस, अरे भाई क्या कर रहे थे? अरे यार ऐसे ही पढ़ रहे थे। अरे आज प्लानिंग है जवाहर नगर जाने की। जवाहर नगर तो ये बताओ, तुम रहते कहाँ पे हो? ये मैं रहता हूँ, ये क्या कहता है, समय के पीछे। और ये पीजी है ना? हाँ, इसका रेंट कितना है? 2800। तो गाइस ये पीजी है समय के पीछे, अगर आप थोड़ा सा और पीछे आएंगे तो आपको 2500 का रूम मिल जाएगा। इसका रूम अच्छा है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। और मेरी प्लानिंग है, आज हम लोग की प्लानिंग है जवाहर नगर चलेंगे, वहाँ जो भी होगा, जैसे जो भी एलएन के स्टूडेंट है उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और जो भी होगा पूरा जवाहर नगर का अपन आज एक्सप्लोर करेंगे। क्यों अभी कॉल किए थे कि आ रहे हम चलेंगे जवाहर नगर, तो ठीक है चलते, कोई दिक्कत नहीं। एक डेढ़ घंटा का काम है, उधर कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। क्योंकि आज संडे था तो हमने सोचा कि आज संडे है तो व्लॉग बना लेते हैं, थोड़ा एंजॉय भी कर लेते हैं, क्योंकि हफ्ता भर तो पढ़ते ही रहते हैं। हाँ, मेरा रूम का ये एड्रेस आपको बता दूँ, ये मतलब गेट नंबर 6 है डोमिनोज पिज्जा के पास, तो उससे तीसरी गली में आप घुस जाओगे तो इधर आ जाओ, बस यहाँ से लैंडमार्क हमको 2 मिनट लगता जाने में। बिल्कुल, लैंडमार्क ही मानो, नज़दीकी है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो एक बार मैं प्रिंस का रूम दिखा देता हूँ आपको। तो ये भाई साहब देख रहे हैं आप, ये सारे कोर्ट्स हैं, मोटिवेशन कोर्ट्स, और ये प्रिंस देवी का ये है मिरर, और यहाँ पे प्रिंस देवी अपना पढ़ाई। हो भाई, पीनट बटर ये भी चलता है क्या? हेल्थ का भी ध्यान रखना करता है ना। वो क्या पढ़ रहे थे? वो ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। अच्छा, ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। हाँ। तो भाई साहब देख रहे हो आप प्रिंस का रूम, एकदम भाई साहब पढ़ते भी हैं, साथ में व्लॉगिंग भी चल रही है। चलो अभी हम चलते हैं जवाहर नगर। तो गाइस हम चलते हैं जवाहर नगर, हमने गिम्बल उम्बल ले लिया है, पूरा स्टेडी शॉट लेंगे, अच्छे से पूरा सिनेमैटिक शॉट लेंगे, वो दिखाते हैं आपको। चलिए चलते हैं।
अभी हम आ चुके हैं केस्टी, उसके बाद एक बार मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ यहाँ का, उसके बाद हम चलते हैं जवाहर नगर। आप कुछ बोलना चाहेंगे बेबी? हाँ तो गाइज हम लोग अभी केस्टी पहुँचे हैं, तो आप लोग सोच रहे हैं सीन दिखा दूँ केस्टी का, उसके बाद चलेंगे जवाहर नगर। जवाहर नगर भी कुछ आज संडे है, आज संडे जवाहर नगर का शाम दिखाएंगे, फिर लैंडमार्क आएंगे, फिर अपना वापस, फिर लैंडमार्क का भी शाम दिखाएंगे। तो चलिए गाइज गाइस, ये है इंडस्ट्रियल एरिया, सामने ही स्वेलका का अपार्टमेंट है। स्वेलका अपार्टमेंट के सामने ही आकाश का बिल्डिंग है, जो कोटा में आकाश है वो इंडस्ट्रियल एरिया में ही है। ये सामने आपको दिख रहा है आकाश का बिल्डिंग है, और इनके जो इस साल के टॉपर थे, तीनों टॉपर, उनकी पोस्टर आप देख सकते हैं सामने ही लगा है आकाश की बिल्डिंग के सामने ही। अभी हम आ चुके हैं रोड नंबर एक पर, रोड नंबर एक पर मोशन का भी द्रोणा कैंपस है, और मैं खड़ा हूँ भी रिलायबल इंस्टीट्यूट के सामने। और यहाँ पे जो भी है आकाश इंस्टीट्यूट है, यहाँ जो हॉस्टल वगैरह सारा मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। पहले एक बार मैं आपको ये बाहर से बाहर का ही टूर देंगे अपन। आज हम जो भी है रोड नंबर एक पे, चाहे वो मोशन का हो, चाहे वो रिलायबल इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो आकाश का हो, जो भी होगा वो अपन बाहर से एक बार आपको टूर पूरा देंगे, उसके बाद फिर कहीं और चलते हैं, वहाँ का आपको टूर देते हैं। क्या बोलना चाहोगे? ये बोलना चाहेंगे चलो अब गाइस लोगों को टूर दिखाते हैं, और अगर कुछ भी अगर इसके सामने आसपास कुछ ऐसे कुछ दुकान दिख जाए तो आपको वो भी दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर आप लोग यहाँ जैसे आपका क्लास यहाँ पे चल रहा है, या लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका हॉस्टल भी आपको दिखा देंगे बाहर से। अगल बगल बजट में कौन सा हॉस्टल है, दुकान कौन सा है, कुछ खाने पीने के लिए, नाश्ता वास्ता के लिए, अंडा का दुकान, पेटी जी, जो मिलेगा सब दिखाएंगे, सब सब कवर करेंगे। आज तो पूरा एक टूर है, बाहर बाहर का जो भी आएगा अपन बाहर से जो भी कवर करेंगे वो सारा आज इस वीडियो में पूरा आपको दिखाएंगे। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं रिलायबल जस्ट सामने है RJ20 अंडा बार। तो अंकल को मैंने ऑर्डर दिया ब्रेड ऑमलेट। और अंकल जी आपने ये दुकान कब से खोली है? इसको 2 साल हो गए भैया। 2 साल यहीं पे? यहाँ पे। अच्छा, तो बच्चे लोग का रिस्पॉन्स कैसा रहता है? अच्छा रहता है। एक बार जो खा के जाते दोबारा आते फिर? हाँ बराबर आएंगे सर। अच्छा तो एक बार रेट बता दो, ब्रेड ऑमलेट का कितना? ब्रेड ऑमलेट का 30 रुपये। कितने अंडे का? 2 अंडे का। 2 अंडे का। और एग रोल का? एग रोल का 30 रुपये, 1 अंडे का। 1 अंडे का। और अंडा फ्राई है 25 रुपये की, 2 अंडे की। और गोल अंडा है 10 रुपये का एक। हाँ तो गाइस हम लोग अब खा के बताएंगे, रिव्यू देंगे कैसा लगा। तो गाइस ये हमारा ब्रेड ऑमलेट आ चुका है, खा के इसको अपन टेस्ट बताते हैं आपको कैसा लगा। ये यार अब रहा नहीं जा रहा ना, खा के बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वाकई मेरे को तो बढ़िया लगा। अलीम भाई आपको कैसा लगा? स्ट्रीट फूड का जो क्वालिटी होता है वो अलग ही होता है, वो रेस्टोरेंट में जाके खाने में मजा नहीं आता। हां यार वही ना, स्ट्रीट फूड। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर ही एलेन का एक बिल्डिंग है जो सृजीत नाम का है। यहाँ पर एलेन का कोई पार्टी वगैरह या कोई फंक्शन होता है, या कोई इनके यहाँ सेरेमनी होती है, एंगेजमेंट वगैरह जो कुछ भी होता है, वो सारा इनका यही पर्सनल है इनका।
सिर्फ ये अपना पर्सनली जो भी इनका होता है वो सारा ये यहीं पर करते हैं। और इसके सामने ही कैरियर पॉइंट का इंस्टीट्यूट है, उसकी दो बिल्डिंग है कैरियर पॉइंट की, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स के सामने ही बिल्डिंग है, वो जो एनएच गया है उसके उस साइड पर कैरियर पॉइंट है और इस साइड पर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स। तो गाइज ये है मोशन का द्रोणा कैंपस, यहाँ पर जेई वालों का क्लास लगता है और यहाँ पे जो कुछ बच्चे भी निकल रहे हैं उनका टेस्ट वगैरह तभी मिलते हैं इनसे और इनका इंटरव्यू वगैरह करते हैं। तो गाइस अभी मोशन आए थे तो मेरे साथ मोशन के कुछ स्टूडेंट हैं, इनका स्टेट था, हमने सोचा इनका इंटरव्यू कर लेते हैं। तो आपका नाम? गिरोर पाटीदार। तो आपका टेस्ट कैसा गया? बढ़िया गया। तो फिजिक्स केमिस्ट्री कौन सा पोर्शन आपको ज़्यादा बेटा अच्छा गया आपका? ज़्यादा अच्छा मेरा फिजिक्स मैथ अच्छा गया मेरा। तो आपको मैथ था क्या? हाँ? अच्छा ये तो IIT का कैंपस है। IIT का कैंपस है। तो आपको क्या नाम है? मेरा नाम उदय राणा है। तो आपका पेपर कैसा गया? पेपर मतलब मॉडरेट गया, इतना अच्छा भी नहीं गया कह सकते। अभी एडवांस का सेकंड पेपर बहुत हार्ड था मैथ्स का, मतलब फर्स्ट कंपेरेटिव, पर केमिस्ट्री अच्छी गई, केमिस्ट्री से आता था तो केमिस्ट्री से थोड़ा सही गया। थैंक यू। तो गाइस अभी नगर में मैं हूँ सत्यार्थ के सामने और मेरे साथ कुछ दोस्त हैं जो कि भाई साहब मुझे टेलीग्राम पे मिले थे, इनका टेलीग्राम पे चैनल चल फैमिली करके उस पर तकरीबन 1000 सब्सक्राइबर हो गए हूं। और ये है, इनका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं मनु भाई। और ये भी टेलीग्राम पे इनका ग्रुप चलता है भाई, बहुत बड़ी बड़ी हस्ती है लोग, अपन तो छोटे लोग हैं। नहीं ऐसा बात नहीं है भैया, बिल्कुल ये है सामने सत्यार्थ, देख लो आप। हम अपना परिचय करवा देते हैं, इनको देखिए, इनको बहुत अच्छा इनका चैनल है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आती है, लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। और तो भाई घर वाले अपने इनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं, घर वाले आते हैं। तो अभी चलते हैं अपन कुछ खाते हैं यहाँ का। ये तो गाइस अभी हम हैं सत्यार्थ के सामने और मेरे सामने ही एक ब्रदर बेकरी करके है जो भाई का ही है। अपन चलते हैं वहाँ कुछ खाते वाते हैं, जो भी जैसा वहाँ का टेस्ट होगा खाने का अपन आपको पूरा अच्छे से रिव्यू देते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी हमने ऑर्डर किया था मसाला पेटीज और यहाँ ब्रदर बेकरी का फेमस है और इसका हम टेस्ट करते हैं, फिर आपको इसका रिव्यू देते हैं यहाँ का पेटीज कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या स्टार्ट कर भाई, रानी जा रहा है, बिल्कुल रानी जा रहा है। मनु भाई तो कैमरे को ही देख रहे हैं घूम घूम के, बहुत टेस्टी, बहुत बहुत शानदार, बहुत टेस्टी है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन वाले काम ऐशबाजी करने वाले ज्यादा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पढ़ने का माहौल बहुत अच्छा है, बिगड़ने का माहौल अच्छा है। आप किस माहौल में जाते हो? क्योंकि राह तो हर जगह कई सारे मिलेंगे, बट अपन को अपने गोल का राह चुनना है, समझ के बनाया कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या? फ्रेंड। हाँ, फ्रेंड सोच समझ के बनने बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि भाई आपकी लाइफ में आप आगे क्या बनने वाले हो वो एक फ्रेंड ही डिसाइड करता है। फ्रेंड सर्किल है। जैसे मेरा फ्रेंड है, इसके पास मतलब है 5-6 को। पांचों को क्या है मतलब? पांचों को मॉड्यूल एक्स्ट्रा। वही समझ रहे हो, पांच मॉड्यूल का मतलब, बस समझ जाओ। हमको तो एक भी मॉड्यूल नहीं देता है, सारे मॉड्यूल अपने पास रहे। नो शेयर, ये खुद कीजिए, किसी और के बल पे नहीं। बिल्कुल, किसी और के मॉडल को, हाँ, किसी और के मॉडल को टच ना करो, खुद के मॉडल पे फोकस रखे। हाँ बिल्कुल, खुद का मॉडल गंदा कीजिए, साफ करिए उसको, पढ़िए, पोछिए। कितना मॉडल आ जाएगा यार, क्या दिक्कत? बिल्कुल बिल्कुल, डिब्बा खत्म हो गया, कर दीजिए भाई, समझ रहे, पूरा खाली हो गया, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पूरा जब हम लोग आए थे पूरा पैक था ये, अभी देख रहे हो क्या पोजीशन है, खत्म हो गया। एड्रेस देख रहे हैं,
चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।